सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, 20 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, लेसन सुनामी का। ओके, इन वर्कशीट 17 यू रीड अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, डॉग, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लेमिंगोस, एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग्स। तो वर्कशीट 17 में आपने जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर को के बारे में पढ़ा, मतलब उनके व्यवहार के बारे में पढ़ा। कौन कौन से एनिमल हो गए बच्चों, जैसे डॉग हो गए, कुत्ते, बर्ड्स पक्षी हो गए, एलिफेंट्स हाथी हो गए, फ्लेमिंगोज हो गए, ठीक है। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, एनिमल्स जो हैं वो अमेजिंग थिंग्स, बहुत सी अद्भुत चीज़ें कर सकते हैं। तो हम टास्क ए देखते हैं। टास्क ए में देखेंगे सी रोचक चीज़ें कर सकती हैं। टास्क ए में आपको क्या करना है, फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स। इसमें आपको नीचे दिए हुए क्रिएचर्स के कुछ क्या लिखने, अमेजिंग, एक अमेजिंग तथ्य लिखना है, एक रोचक तथ्य लिखना है। तो देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ भी है, ए हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। तो ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों वर्कशीट में। अब हमें दूसरा लिखना है, तीसरा, चौथा अपने आप। ए वेल, ए वेल का लिखना है तो हमने लिख दिया, ए वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। एक वेल जो होती है वो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंतु होती है, ठीक है। अब सेकंड, एन आंट के बारे में हमने लिख दिया, एन आंट डजंट हैव ईयर्स, चींटी के कान नहीं होते, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तीसरा हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा कैट के बारे में, ए कैट स्लीप्स फॉर 2/3 ऑफ हर लाइफ। एक बिल्ली अपने जीवन का 2/3 भाग, मतलब 70% हिस्सा सोने में खर्च कर देती है, ठीक है, या वो सोती रहती है 2/3 भाग, ठीक है। अब आगे देखिए, टास्क बी में क्या करना है हमें, लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, जो आखिरी पार्ट है इस लेसन का वो हमें पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। तो अलोंग इंडियाज कैडलर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, बफेलोज, गोट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। इंडिया के कैडलर कोस्ट के अतिरिक्त जहाँ पर हजारों जो जानवर थे, जैसे कि भैंस, बकरी, कुत्ते आदि ऐसे पाए गए जिन्हें कोई हानि नहीं हुई। दयाला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग एनिमल्स एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। तो बताया गया कि श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, वो बहुत सारे जानवरों का, अलग अलग की किस्म के जानवरों का घर है, जैसे कि हाथी, तेंदुए और पक्षियों की 130 प्रजातियां वहाँ पर रहती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगल बीच इनसाइड द पार्क्स। वहाँ पर जो 60 विजिटर्स घूमने आए हुए थे यात्री, वो पार्क के अंदर जो पतंगल बीच था वहाँ से बह गए। बट नो एनिमल कारकासेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। बस अगर 2 भैंसों की बात करें तो उनके अतिरिक्त वहाँ पर किसी भी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने से आधा घंटे पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पातंगल बीच। वहाँ पर एक बीच है पातंगल बीच, वहाँ से क्या कर रहे थे, 3 हाथी उससे दूसरी साइड में, दूसरे डायरेक्शन की ओर दौड़ रहे थे, ठीक है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सैड हिज 2 डॉग्स वुडंट गो फॉर देयर डेली रन ऑन बीच। एक श्रीलंका के जेंटलमैन बताते हैं कि जो गैले में तट के पास रहते थे वो अपने कुत्तों को घुमाने ले जाते थे, उस दिन उनके जो डॉग्स थे उन्होंने अपनी डेली जो घूमने के लिए जाते थे वो लोग बीच पर, वहाँ जाने से मना कर दिया। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटसाइड। वो कहते हैं कि डेली तो वो बहुत एक्साइटेड होते थे बाहर जाने के लिए, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो
एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन उनके डॉग्स ने जाने से मना कर दिया और इस तरह उनका जीवन भी बच गया। तब हमें फिलअप करने बच्चों, देखिए फर्स्ट है पार्क इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका, ये श्रीलंका में है। और कौन से पार्क के बारे में डिस्कस किया गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द याला नेशनल पार्क, ठीक है। अब सेकेंड देखिए 60- गॉट वॉश्ड अवे फ्रॉम पातानंग बीच, ठीक है। तो 60 कौन है, विजिटर्स, ठीक है, तो हमें विजिटर्स लिखना है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या करना है, इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज टू गो बीच विद देयर मास्टर, बिकॉज गैले में डॉग्स ने अपने मास्टर्स के साथ बीच, अपने मास्टर के साथ बीच पर जाने से मना कर दिया। क्यों, दे वर टायर्ड, वो थके हुए थे डॉग्स, दे वर हंग्री, दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वह किसी आपदा को आते हुए सेंस कर रहे थे, पता लगा रहे थे, या उन्हें कुछ पता चल रहा था, महसूस कर रहे थे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बी, क्योंकि दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, उन्हें पता चल रहा था कोई आपदा आने वाली है, वो महसूस कर रहे थे ऐसा। अब फोर्थ में क्या करना है बच्चों, ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने याला नेशनल पार्क में सुनामी के बाद विजिट की, यात्रा की। हेल्प हिम कम्प्लीट हिज रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट कम्प्लीट करने में उसकी मदद करें आप। अब देखिए नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स कितनी बताइए वहाँ पर, 130 लिख देंगे हम। नंबर ऑफ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम पातांगला बीच, जो वहाँ बीच से कितने विजिटर्स बह गए थे, तो 6 लिख देंगे। नंबर ऑफ एनिमल कारकासेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, तो वहाँ पर 2 बफेलोज बह गई थी, ठीक है, बाकी सब ठीक रहे थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।